अब्दू और शिव ठाकरे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, इन दोनों को ईडी का समन मिला है और किस लिए, क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इन दोनों को ही ईडी का समन मिला है और इसके पीछे का कारण ये है कि आपको याद होगा अब्दू रोजिक की कंपनी है बुर्गर और शिव ठाकरे ने भी चाय एंड स्नैक्स इस तरीके की एक कंपनी का गठन किया था। बिग बॉस से बाहर आते साथ आपको याद होगा उन्होंने कहा था, एक जो है बिजनेसमैन बनते हुए नजर आए थे और उन्होंने जो है कहा था कि अब मैं एक बिजनेसमैन के तौर पर भी शुरुआत कर रहा हूं। तो ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। तो अब खबर ये आ रही है कि शिव और अब्दू दोनों को ही ईडी ने समन भेजा। ईडी ने दोनों स्टार्स को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। शिव ठाकरे अब्दू रोजिक को जेल में बंद ड्रग माफिया अली असगर शिराजी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस मामले में शिव ठाकरे का बयान जो है वो गवाह के तौर पर लिया जा गया है। शिव और अब्दू को समन जो है इन दोनों ने जो है कंपनी हसलर्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में अपना पैसा लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी जो है वो ड्रग माफिया अली असगर शिरजी के नाम पर है और इसी संबंध में शिव ठाकरे से पूछताछ की गई है। शिव ने जो बयान दिया है वो भी सामने आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो है ड्रग माफिया अली असगर शिरजी की कंपनी हसलर्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है और उन्होंने शिव की कंपनी ठाकरे चाय एंड स्नैक्स में भी इन्वेस्ट किया और अब्दू की कंपनी बुर्गिर में भी पैसा लगाया है। ड्रग माफिया की कंपनी नार्को फंडिंग के जरिए जो है वो पैसा कमाती है और डीलर के नार्को फंडिंग में शामिल होने की खबर मिलते ही दोनों स्टार्स ने असगर से अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था, ये भी खबर आ रही है। तो एबीपी न्यूज का दावा है कि शिव ने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। शिव ने ईडी को बताया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ना तो शिरजी से मिले थे और ना ही उनके बारे में कुछ भी जानते थे और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी डील कंपनी के डायरेक्टर कुणाल ओझा से हुई थी। तो ऐसे में अब इन दोनों के बयान को दर्ज किया गया है और दोनों को ही समन इस पूरे मामले में भेजा गया है। तो इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।